भूले, सब लोग हमारे साथ चलो और खारा गढ़ को चारों तरफ से घेर लो और मिटा दो उस भवानी का नामो निशान और नागन चमेली का नामो निशान। क्यों नहीं सदा जी, क्या कहना चाहते हो? भला लेकिन सदा जी मेरा भी कहना कुछ है। अरे मैं भी हूँ तैयार, बंदूक भी है तैयार। अरे मैं भी हूँ तैयार, बंदूक भी है तैयार। जिसने आपको मजबूर किया डाकू बनने पर, उसे अभी चलकर मौत के फेरा। आज तेरी बातों को सुनकर तेरे सरदार का दिल पीला हो गया है, इसलिए फौरन हमारे साथ आओ। जय मां भवानी। ना जाने मेरे पर कैसी आफत आ गई। अरे मंत्री जी, चमेली रानी, क्या हुआ? फांसी होने का समय हो गया है तो और सहारी को लेकर के आ रहे। ले जाओ उसे, जल्दी लेकर के आओ और सहाराम शादी को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए। राम सिंह जल्दी लेकर के आओ। फांसी होने में अभी कितना समय बाकी है? अभी तो 10 मिनट का समय बाकी है। तो 10 मिनट में एक काम और करो। क्या? इसके ऊपर बोल रहे हैं ना, 10 मिनट में इसकी इज्जत लूट लो। क्या? इसकी बेची काटो। मुझाने का भी रहना चाहे। इसके हाथों की हथकड़ी खोल, इधर सामने ला। इज्जत लूटना तो ये भवानी सिंह का पुराना पेशा है। मंत्री साहब, इसके कहने में मत आइए, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। देखो, अगर ये भवानी सिंह सुबह से शाम तक अगर किसी की इज्जत ना लूटे तो भवानी सिंह को भोजन अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अगर ये काम नहीं करूंगा तो फिर कलयुग महाराज नाराज हो जाएंगे। कलयुग महाराज नाराज हो जाएंगे। तो जानना चाहता है कि मैं क्या घुसौन हूं तुम लोग गंगा हलो सारी गंगा।
बोझेले डाकू गंगा कहते हैं। गंगा, गंगा तो वो पवित्र स्थान है, लेकिन तो जिसकी इज्जत बचाने के लिए आया है, ये रिश्ते में तेरी मेहरारू लगती है क्या? अगर उसी आवाज में बात किया तो पहले गोली मारूंगा, बाद में बात करूंगा। पुलिस को फोन कर दे। लगाओ साले पे निशाना। पुलिस को फोन करते हैं। लगाओ निशाना। पुलिस को फोन करते कि गंगा सिंह गिरोह लेकर के मेरी मेरे राजमहल में आया है। पुलिस को फोन करते हैं। हंटर लाओ हमारा, तब हम बताते हैं। गंगा तो जानता रहे कि किसके राजमहल में खड़ा हुआ है। अच्छी तरह से जानता हूं, तूने एक गरीब की इज्जत पे डाका डाला है, इसलिए तुझे सजा मिलेगी। सजा मिलेगी, साले सजा मिलेगी। भवानी,